आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एटीओ ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस को आप यहाँ पर कैसे करेंगे स्टेप बाई स्टेप, यानी कि आपको कॉलेज किसी सिलेक्शन करना है, क्योंकि पहले कॉलेज का ऑप्शन नहीं आ रहा था लेकिन अब जो है कॉलेज का ऑप्शन आना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको कैसे कॉलेज सिलेक्ट करना है इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। इससे पहले आईपीओ का अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हैं, इससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। तो सबसे पहले आपको जो है आईपीओ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद जो है सिंपली आप इसका जो है इंपॉर्टेंट डेट जो भी है वो आप यहाँ पर जो है आसानी से चेक कर सकते हैं, जो बैच से टेस्ट सेशन के लिए। चलिए आपको हम नीचे कर लेना है और सिंपली आपको यहाँ पर इनरोलमेंट जो है काउंसलिंग प्रोसेस सिंपली आपको जो है इस पे जो है क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है सिंपली आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर अभी तक आप न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किए तो अभी भी न्यू रजिस्ट्रेशन चालू है, तो आप सिंपली इस पे क्लिक करके आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं, यानी कि आप आईपीओ के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप सिंपली लॉग इन करके काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एंड स्क्रीन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख जो है स्टेप बाई स्टेप कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम आने के बाद सिंपली आपको लॉग इन करना है, तो आप सिंपली विजिट आईडी आपको यहाँ पर इंटर करना है, यहाँ पर पासपोर्ट इंटर करेंगे, कैप्चा आपके सामने शो कर रहा है किसी के पास में, सिंपली आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना है। इन केस आप पासपोर्ट भूल जाते हैं तो आपको जो है वीडियो के एंड स्क्रीन या आई बटन लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप जो है पासपोर्ट अपना फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए सभी डिटेल्स आपको यहां पे एंटर करने के बाद जो है सिंपली आपको साइन इन का ऑप्शन क्लिक करके यहां पर आपको जो है साइन इन कर लेना है। चलिए उसके बाद सिंपली आपके सामने इस तरह का होम पेज आ जाएगा, जहां पर आप प्रोफाइल सेक्शन आप देख सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है या फिर व्यू करना है तो आप आसानी से यहां पर आप देख भी सकते हैं, और कोई मिस्टेक लगे तो आप यहां पर सुधार भी कर सकते हैं। चलिए यहां पर देख सकते हैं कि आपको कोर्स यहां पर आ जाएगा, यहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, यहां पर मेरा रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट। ओके, तो आप यहां पर फर्स्ट टाइम जैसे ही आएंगे, अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आएंगे लॉग इन करने के बाद, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होता है, तो उसका भी ऑलरेडी वीडियो जो है वीडियो बना हुआ है, आप इस वीडियो को देखिए आसानी से आप स्टेप बाई स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप देख सकते हैं चॉइस फिलिंग है जो कि पेंडिंग है, तो इसी को यहाँ पर जो है कॉलेज सिलेक्शन द्वारा यहाँ पर आपको फिल करना होता है, तो इसके लिए आपको सिंपली क्लिक है टू प्रोसीड ऑप्शन क्लिक कर लेना है। चलिए इस ऑप्शन जो है क्लिक कर लेते हैं, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो यहाँ पर जो है 00 यहाँ पर सभी में शो होता था। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल अवेलेबल चॉइस 10 आपको बता रहा है, फिल चॉइस 0 बता रहा है, क्योंकि अभी कोई भी चॉइस यहाँ पर फिल नहीं हुआ है। उसके बाद जो अनफिल चॉइस यहाँ पर 10 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब तक आप यहाँ पर पेमेंट नहीं करेंगे, यानी कि आपको 1000 रुपये जो आपको पेमेंट करना होता है, तभी आप यहाँ पर जो काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना होता है, पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल सर्विसेज में आपको दिख जाएगा, आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड फी है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर आप क्लिक करने के बाद जो है, चलिए इस पर जो है क्लिक कर लेते हैं, या फिर आपको यहाँ पर नीचे कर लेना है, तो आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यहाँ पर पे रिक्वायर्ड फी जो है यहाँ पर आपको पेमेंट करना जो है जरूरी है। हम देख सकते हैं विदाउट काउंसलिंग फी पेमेंट यू विल नो बी अलाउड टू फिल द चॉइस, तो आपको पेमेंट कर लेना है। यहाँ पर जो है आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है किसी किसी में क्लिक नहीं होता है, तो आप सिंपली यहाँ पर जो है आईपी यूनिवर्सिटी कॉल कर सकते हैं, जिसके मेरे केस में क्लिक नहीं हो रहा है। चलिए उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको फी पेमेंट डिटेल्स किसी से करना है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फी, इस पर आप क्लिक कर लेंगे लास्ट ऑप्शन में। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन फी जो है यहाँ पर ऑलरेडी पेमेंट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आप जो प्रोफाइल चेक करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबल चॉइस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिंपली आपको इस पे जो है क्लिक कर लेना चॉइस फिल करने के लिए। आप जो भी कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है आईपीयू के अंदर, इसके लिए सिंपली आपको इस पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं आपको जैसे ही यहाँ पर जो है अवेलेबल चॉइस का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे देगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑल इंस्टीट्यूट टाइप है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट और यहाँ पर प्राइवेट है, तो यहाँ पर जो है दोनों प्रकार का आपको कॉलेज यहाँ पर मिल जाता है, तो सिंपली आप इसमें जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना सारा यहाँ पर जो है आपको कॉलेज मिल जाता है ऑप्शन, तो सिंपली आप यहाँ पर जो है जैसे मैं सी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसका प्रोग्राम आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो भी आप यहाँ पर कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उसी के बेस पर आपका यहाँ पर जो है आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो इंटर इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस पिन कोड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे आप यहाँ पर जो फिल्टर कर सकते हैं। चलिए तो आपको सिंपली यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू विथ इंस्टीट्यूट एड्रेस, आपको एड्रेस भी दिखाई देगा, उसके बाद व्यू विथ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, ओके प्राइवेट है या फिर आपको यहाँ पर जो है सरकारी कॉलेज है, तो ये आपको यहाँ पर जो है टिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ऑल इंस्टीट्यूट आपको टाइप्स का सेलेक्ट कर लेना है,
उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर भी आपको ऑल इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि पूरी यूनिवर्सिटी का लिस्ट आ जाए। और यहाँ पर जो है आपको आपको जो है जो भी आप यहाँ पर जो कोर्स सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कोर्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई किए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए के लिए जो है नीम सीट की एग्जाम के थ्रू, यहाँ नीम सीट के रैंक के बेस पर होगा आपको जो भी प्रोग्राम होगा उसका, आपको यहाँ पर कोई भी एग्जाम होगा उसके रैंक के बेस पर होगा, तो वहाँ पर आपको जो है ऑल प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ जितना भी कॉलेज होगा वो सभी आ जाएगा विथ एड्रेस के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वाराणसी चंडीवाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आपको जो है यहाँ पर पूरा एड्रेस दिख रहा है। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप आप देख सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर देख सकते कोर्स का नाम देख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा वो आपको दिख जाएगा, जो भी प्राइवेट कॉलेज होगा वो आपको दिख जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है चूज कर सकते हैं। तो सिंपली बात है आपको यहाँ पर ऑल कर लेना है, यहाँ पर भी ऑल और यहाँ पर जो है प्रोग्राम में भी आपको ऑल कर लेना है। और सिंपली आप यहाँ पर नीचे कर लेंगे, और नीचे करने के बाद जो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ कॉलेज सेलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पर जो है नेक्स्ट का ऑप्शन इनकी ऑल प्रोसेस इनकी अदर प्रोसेस का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले पेमेंट करना होता है, जो कि यहाँ पर जो है क्लिक नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पर जो कुछ में और वेट कर लेना है, या फिर डायरेक्ट आप जो है आईपी यूनिवर्सिटी कॉल करके बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे कि पहले अवेलेबल चॉइस नहीं था, उस पर अवेलेबल चॉइस आया तो आप यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा है, आपको सिंपली आपको बात कॉल करके बात कर लेना है और इसका लास्ट स्टेज जो चेक कर लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कॉलेज जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी प्रकार दिक्कत हो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। थैंक यू फ्रेंड्स।